guys, welcome back to my channel and I hope you all are doing great. In today's video, I'm going to share with you all my sale at first haul. Finally, I'm doing this video. यार मुझे personal call से हुई है and आज मैं video बना रही हूँ. अगर हो सके तो आज edit करके आज ही upload कर दूँगी because I'm so excited to share with you guys कि मुझे क्या क्या मिला है. I know guys must be thinking कि मुझे मेरी parcel कैसे मिल गई है because it's a collaboration video. तो उन लोगों ने मुझे review purpose के लिए products भेजा है. तो यार मुझे इतने सारे comments मिल रहे थे कि दी ये नहीं हो रहा, दी वो नहीं हो रहा. तो video को पूरा end तक देखना because मैं video के last में आप लोगों के जो भी क्वेरीज है उनका आंसर देने की कोशिश करूंगी. तो अगर आपको जाननी है कि मुझे जो भी प्रोडक्ट रिसीव हुई है वो क्वालिटी प्रोडक्ट्स है कि नहीं, कोई डैमेज प्रोडक्ट रिसीव हुई है कि नहीं, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना. चलिए वीडियो को शुरू करते हैं. एज ऑलवेज सारे प्रोडक्ट्स मुझे ऐसे जिपलॉक पाउचेज में रिसीव हुई है. तो पहली चीज है ये DIY फेस मास्क स्पून स्टिक. जो एक्चुअल प्राइसेस है वो मैं स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी, उसके साथ साथ जो रियल पिक्चर्स है वो भी मैं इंसर्ट कर दूंगी. एंड ऐसे चीज़ में आपको रैंडम कलर्स रिसीव होगी, आप चूज़ नहीं कर सकते हैं. नेक्स्ट है ये ब्रश क्लीनर. इसमें भी आपको रैंडम कलर रिसीव होगी. तो चलिए देखते हैं कि ये काम करता है कि नहीं. तो मेरे पास है ये ब्रश, ये काफ़ी डर्टी है एज यू गाइस कैन सी. तो अभी मैं चेक करूँगी कि ये काम करता है कि नहीं. ऑल राइट, तो मैंने इसमें ली है थोड़ी सी शैम्पू एंड मैंने मेरी ब्रश को वेट कर ली है. इट्स वर्किंग. तो मैं अभी ब्रश को वॉश कर लूंगी एंड फिर देखते हैं कि क्या हाल है इसकी. ये अभी वेट है तो इसीलिए ऐसा दिख रहा है एंड क्लीन हो चुका है ये कम्प्लीटली. सो या ये काम की चीज़ है. नेक्स्ट है मेरे पास ये डम्पलिंग मेकर. आपको इसमें वो रखना होता है एंड फिर उसको ऐसे प्रेस करनी होती है एंड वो खुद से ही शेप क्रिएट हो जाता है. नेक्स्ट है मेरे पास ये क्लासिक हेयर पिन. यहाँ पर लिखा हुआ है क्लासिक हेयर पिन बट आप इससे बर्न्स क्रिएट कर सकते हो. लाइक पीछे की ओर एक मैनुअल है. तो अगर आपको इसके ऊपर हेयर स्टाइल देखनी हो देन मुझे नीचे कमेंट करके बताना, मैं ज़रूर करूँगी. नेक्स्ट है ये फ्लावर हेयर पिन. इसमें 3 साइजेस अवेलेबल है, लाइक स्मॉल, लार्ज एंड मीडियम. सॉरी, सो स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज. तो मैंने लार्ज वाला लिया है एंड ये कुछ ज़्यादा ही लार्ज है. यही एक चीज़ है जो मुझे थोड़ा सा ब्रोकन रिसीव हुआ. एक्चुअली जो क्लिप है वो सेपरेटेड है. इट्स ओके, मैं इसको फिर से लगा लूँगी. ठीक है, तो मैं इसको पहन के नहीं दिखा पाऊँगी बिकॉज यू नो. नेक्स्ट है ये फ्रेंच ब्रेड टूल. मुझे फ्रेंच ब्रेड करना नहीं आता है तो मैंने इसलिए इसको परचेज की है एंड मैंने इसको एक बार ट्राई की थी कल रात को बट अनफॉर्चुनेटली मुझसे नहीं हुआ है. तो मैं और कुछ दिनों तक ट्राई करूँगी, उसके बाद एक वीडियो भी अपलोड करूँगी अगर हो सके तो. एंड इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, प्लास्टिक की है बट स्टिल काफ़ी बेंड हो रही है, फ्लेक्सिबल है. फिर मैंने ली है ये फॉल्स आईलैश एप्लीकेटर. सॉरी, ये स्टेनलेस स्टील की है. काफ़ी हेवी है. फिर मैंने ली है ये हेयर बैंड. मैंने एक्चुअली 3 हेयर बैंड्स ली है बिकॉज मुझे हेयर बैंड्स की काफ़ी शौक है. तो ये है रिबन हेयर बैंड. इसमें भी आपको रैंडम कलर मिलती है, लेकिन आप चूज नहीं कर पाओगे. तो पीछे चली जाती हूँ. क्यूट है ना. एंड सॉरी, आओ आओ आओ. एंड मैं थोड़ा सा आपको क्लोजअप से दिखा दूँ. ये वाली जो चीज़ है ये एडजस्टेबल है. लाइक अगर आपको थोड़ा सा ऊपर करना हो देन आप कर सकते हो, अगर थोड़ा सा नीचे करना हो वो भी कर सकते हो. फिर इसको डाल लेती हूँ इसकी जगह पे. इसकी ना एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई कि यार सारे प्रोडक्ट्स ऐसे जिप्लॉक पाउचेस में हैं तो मैं इसको इंडिविजुअली ऐसे स्टोर कर पाऊँगी. ओके, फिर मैंने ली है ये ब्रशेस की सेट.
मैंने वुडन कलर की ली है, इसमें ब्लैक कलर भी अवेलेबल है। तो मैं आपको दो तीन ब्रशेस की क्वालिटी दिखा दूँ। एक कोई फॉल आउट नहीं है, ये एक अच्छी बात है। As you guys can see, and आप लोग इसको ऐसे प्लास्टिक में भी स्टोर कर सकते हैं। बट द थिंग इज, इसमें ना सारे ब्रशेज एकदम सेम कैटेगरी के ही है, लाइक ऐसे ब्रशेज ही ज्यादातर है, एंड उतनी बुरी स्मेल भी नहीं है, तो ये एक अच्छी बात है। एंड मैंने ये वाले ब्रश ऑलरेडी यूज़ की है कंटूरिंग के लिए, कोई फॉल आउट नहीं है। ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है, बिकॉज ब्रशेज में ज़्यादातर फॉल आउट्स होते हैं, बट कोई फॉल आउट नहीं है। नेक्स्ट मैंने ली है ये कैप, इसमें 3 कलर्स अवेलेबल है, ब्लैक, पिंक एंड वाइट। मैंने ये पिंक वाला ली है। इसको एडजस्ट कर पाओगे पीछे से। ओके, अगेन इट्स अ हेयर बैंड। जैसे कि मैंने बोला कि मुझे हेयर बैंड्स की काफी ज्यादा शौक है, तो ये थोड़ा सा और दिख रहा है, लाइक मैं इसको रेगुलर यूज नहीं कर पाऊंगी वीडियो के लिए। आई थिंक ये परफेक्ट है। ओके, एंड नेक्स्ट है ये इयररिंग्स। एंड मैंने इस बार बस ये एक ही ज्वेलरी यूनो चूज की है। इसके ऊपर से मैं पहन सकती हूँ इसको। इसमें आपको 3 कलर्स मिल जाएगी, सिल्वर, गोल्डन एंड ब्लैक। जो ब्लैक कलर है वो मुझे उतनी ज्यादा पसंद नहीं आ रही थी। एंड ये वाली इयररिंग उतनी ज्यादा हैवी नहीं है। ओके, नेक्स्ट है मेरे पास ये टैंगल टीजर या फिर कोम्ब, जो भी कह लो। तो इसमें मुझे ये पिंक कलर रिसीव हुई है, एंड सच बोलो तो मुझे पिंक कलर उतनी ज़्यादा पसंद नहीं है। एंड ये वाले जो कलर है ये काफ़ी वाइब्रेंट है, तो अदरवाइज चीज़ काम की है, बट कलर जो मुझे पसंद नहीं है, क्या कर सकते हैं अभी। तो इससे अगर आप कोम्ब कर दो देन आपकी हेयर फॉल काफ़ी कम होगी। अगर आपकी हेयर फॉल की प्रॉब्लम है देन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप टैंगल टीजर ट्राई कर सकते हो। ये वाली यूज़ करनी ऐसी कोई बात नहीं है, मार्केट पे और भी टैंगल टीजर्स अवेलेबल है, बट इसकी प्राइस काफ़ी कम है, तो अगर आप चाहो तो इसको ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ है वो आप लोगों को पसंद आएगी मुझे लगता है, ये है एक मिकी माउस बैकपैक। क्यूट है ना, पीछे की ओर आपको बेल्ट मिल जाती है, एंड इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। मैं आपको थोड़ा सा पास लाकर दिखा दूँ, लेदर की है। इसमें आपको ब्लैक, पिंक, ग्रे एंड लाइट पर्पल कलर मिलती है, ये भी काफ़ी अच्छी है, मुझे ये सबसे ज़्यादा पसंद आई है। कितना क्यूट है ना। ये फिर से मेरे पास है, आई डोंट नो व्हाई कि मुझसे हमेशा चीज़ें गिर जाती हैं। तो फिर है मेरे पास ये ब्रशेस की सेट, इसमें 3 कलर्स अवेलेबल है, रोज गोल्ड, गोल्ड एंड सिल्वर। मैंने रोज गोल्ड वाली ली है, तो मैं आपको दिखा दूँ, इसमें भी कोई फॉल आउट नहीं है। As you guys can see, पैकेजिंग दिखा दूँ यार, देखो कितना ज्यादा क्लासी है। फिर है मेरे पास ये आईब्रो पेंसिल, मैंने ली है 02, और भी कलर्स अवेलेबल है। एंड आपको पीछे की ओर एक फूल भी मिल जाती है, okay, फिर है मेरे पास अगेन एक हेयर बैंड, ये लास्ट वाली हेयर बैंड है। ये कंटेनर,
प्लास्टिक के कंटेनर हैं। अगर आप लोग मेरे तरह DIY एडिक्ट है देन आप लोग DIY बना के इसमें स्टोर कर पाओगे, बहुत ज़्यादा स्टोर नहीं कर पाओगे बट थोड़ी बहुत स्टोर कर पाओगे। फिर है ये नेचुरल फॉल्स आईलैशेस की सेट, इसमें 10 पेयर्स हैं। एंड जो लास्ट चीज़ है वो है ये टी शर्ट, क्वालिटी बहुत अच्छी है, लाइक बिल्कुल भी यू नो चीप मटेरियल की नहीं है एंड काफ़ी सॉफ्ट भी है। आप लोगों ने देखा है कि मुझे कोई भी डैमेज या फिर डिफेक्ट प्रोडक्ट रिसीव नहीं हुई है, सारे प्रोडक्ट्स क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं एक्सेप्ट अ क्लिप, उसके ग्लू आई थिंक निकल चुकी है बट दैट्स ओके बिकॉज मैं उसको फिक्स कर पाऊंगी, प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यार मुझे भी लगा था कि यार प्राइसेस इतनी कम है, हो सकता है कि प्रोडक्ट्स में थोड़ी बहुत डिफेक्ट होगी, बट कोई भी डिफेक्टेड प्रोडक्ट्स मुझे नहीं मिली है, सारे प्रोडक्ट्स क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं, डिलीवरी काफ़ी फास्ट है, ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है। रही बात आप लोगों की क्वेरीज की, तो जो सबसे ज़्यादा आस्क क्वेश्चन है वो ये है कि दी ऑर्डर प्लेस नहीं हो रहा, दी चेकआउट नहीं हो रहा, तो मैंने वीडियो में क्लियरली मेंशन की थी कि अभी आप लोग बस ऐड टू कट कर पाओगे, वो लोग अभी ऑर्डर ले रहे हैं, ऑर्डर प्लेस नहीं कर रहे हैं, तो आप लोग 26 फरवरी के बाद से ऑर्डर प्लेस कर पाओगे। COD अवेलेबल है एंड शिपिंग चार्जेस के बारे में अगर बात करूँ तो जब आप चेकआउट करोगे तब वहाँ पर सब कुछ मेंशन्ड होगी एंड शिपिंग चार्जेस आपके एरिया के ऊपर डिपेंडेड रहेगी। ओके फिर एंड लास्टली दी प्राइसेस इतने कम है, फ्रॉड तो नहीं है, फेक तो नहीं है। तो यार मैंने तो आप लोगों के साथ शेयर ही किया है कि मुझे कोई भी डिफेक्टेड या फिर यू नो डैमेज प्रोडक्ट रिसीव नहीं हुई है। फिर भी अगर आप चाहो तो आप और भी यूट्यूबर्स के वीडियोस चेक कर सकते हो, और भी काफ़ी सारे यूट्यूबर्स ने सेल एट कॉस्ट की हॉल बनाई है, तो सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए आप वो वाली वीडियोस भी चेक कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, मैं आपसे बहुत जल्दी मिलूंगी मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।